आज हीरा सिंह राणा जी के जाने से उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति और साहित्य के एक युग का अवसान हो गया है। कि हमारे जो उत्तराखंड के महान गायक और गीतकार हीरा सिंह राणा जी वो नहीं रहे, तो ये बहुत मन को धक्का लगा, क्योंकि एक ऐसे युग का आज अंत हो गया जिस युग ने उत्तराखंड को एक बहुत अच्छा लिटरेचर दिया ही दिया है और गायकी में भी बहुत ऊपर लेके गए वो हमारे, खासकर कुमाऊं के क्षेत्र को। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वो उनकी आत्मा को शांति दे और इस मुश्किल की घड़ी में उनके परिवार को भी मेरी तरफ से सांत्वना है और भगवान उन्हें इस क्षति को सहने की शक्ति दे। पानी को मसीक सुआ, पानी को मसीक, तू भूलली भूल चली, मैं भूलो कासी का, को सुन लो या मेरी बात, स्वर्ग तारा, स्वर्ग तारा। मानो आज हमारा उत्तराखंड को बोली, भाषा, गीत, संगीत और साहित्य को एक युग समाप्त हुए। बोलू मैं ईश्वर से प्रार्थना कर दूँ किसी श्री हीरा सिंह राणा जी की आत्मा दे अपर श्री चरणों में स्थान देवला, और मैं बाबा केदार से प्रार्थना कर दूँ कि दुख की घड़ी में परिवार दे ये दुख सहन करने को सामर्थ्य मिले। व्यक्तिगत मायनों में बात करूं तो मेरे लिए हीरा सिंह राणा हमेशा ही एक प्रेरणा स्वरूप। जब मैं चौथी पांचवी क्लास में पढ़ता था तो तब से मैं राणा जी को जानता था, तो उनसे मेरा बचपन से लगाव था। लोक कला के क्षेत्र में मेरा आना स्वतः ही राणा जी से प्रेरित था। राणा जी के गीतों को सुनना, राणा जी के जीवन से और उनके चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिला, उसी चीज को आत्मसात किया, उनके गीतों को आत्मसात किया, उनकी आवाज को आत्मसात किया, उनकी लेखनी को आत्मसात किया। और हुआ भी यही कि जब मैं बड़ा होकर मंचों पर आने लगा, गीत गाने लगा, तो मैंने शुरुआत उन्हीं के गीतों से की और मुझे जो पहचान मिली वो राणा जी के ही गीतों से मिली। परिवार के वो अभिन्न अंग थे। आज उनके जाने से मेरे परिवार का बहुत कुछ चला गया है। दो तारीख तारा सुआ, दो तारीख तारा, मेरी सेवा लाग जावे देवी का दरबारा, को सुना लो या मेरी बात, स्वर्ग तारा, स्वर्ग तारा, जुनिया वीरा का